नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज मैं आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूं अपने ग्रामीण चौकीदारों के बारे में, ग्रामीण पैरियों के बारे में। आज जब भारतीय जनता पार्टी यहां पर दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ आ गई, तो जो लोग अदर पार्टियों की गुलामी करने में लगातार लगे थे, वो इस समय एकदम शांतिपूर्ण से बैठ गए हैं। और आपको बता दूं कि ग्रामीण चौकीदारों में से ही बहुत सारे चैनल बना बना करके चालू हुए थे, लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार बनती है उसके बाद चौकीदारों की आवाज़ वो नीचे गिराने लगते हैं और चौकीदारों की आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं। इससे तो यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभी तक लोग चौकीदारों के साथ लगातार राजनीति करने का काम करते आए हैं और लगातार राजनीति करते रहें, जिस राजनीति की वजह से आज हमारे ग्रामीण प्रहरी लगातार परेशान हैं और लगातार अगर ऐसा ही सिलसिला रहा तो रहेंगे भी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण प्रहरी जो अनु त्रिपाठी पे विश्वास और भरोसा करके बैठे हैं, तो मैं उन तमाम लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आए हुए आपके बीच 3 महीना 4 महीना हुआ है, आपने सालों से परेशान थे, आप थोड़े से समय को दीजिए, क्योंकि अनु त्रिपाठी राजनीति नहीं करता, आपकी सेवा करता है और आपका निस्वार्थ सेवा भाव से हम आपके साथ लगे हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी ऐसे लोग थे जो लगातार ग्रामीण प्रहरियों का शोषण करते थे, वो शोषण अब नहीं होगा। प्यारे बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत दुख होता है कि जब चुनाव स्टार्ट हुआ था या चुनाव से पहले, मैं देख रहा था कि ग्रामीण प्रहरी जोर शोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वैसे ही वो लोग डाउन पड़ जाते हैं और जो भाजपा समर्थक चौकीदार है वो लगातार जोर शोर से आज भी धन्यवाद दे रहे हैं और हमारे चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक सच और एक अच्छाई की जीत कहीं ना कहीं होते नज़र आई है। दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को मैं इस वीडियो से बता देना चाहता हूँ कि आपके काम अब बहुत करीब हैं और बहुत जल्द ही आपके काम बनेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हमारे कुछ ग्रामीण प्रहरी मुझे फ़ोन करते हैं, जैसे ही अभी सरकार तो शपथ भी नहीं ली उसके बाद फ़ोन करते हैं कि भैया हमारा काम का क्या हुआ, तो उन चौकीदारों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, डियर ये सरकार अभी आई है, तुरंत कोई काम नहीं होते हैं, इस सरकार को खाने दीजिए, पीने दीजिए, बैठने दीजिए, थोड़ा आराम करने दीजिए, उसके बाद ही आगे आवाज़ उठेगी। और इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे कोई भी नेतागण हो, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि हमारे जो ग्रामीण प्रहरी यानी चौकीदार हैं, इनका भला करना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि हमारे तमाम चौकीदारों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाजपा में यानी भारतीय जनता पार्टी में हिस्सा लिया है, तो उनका दिल ना दुखाएं, उन्हें इनका जो सम्मान निधि है इन्हें वापस देने की कृपा करें, यही कहना चाहता हूँ आप सभी नेताओं से और सभी अधिकारी आलाओं से। और ज़रूरी सूचना ये है कि हरिओम कटेरिया जो सोसाइटी वेलफेयर के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से हमारे पास कल मैसेज आया है कि वो 15 अप्रैल से और 25 अप्रैल के बीच एक डेट डिसाइड करने वाले हैं, जिसमें ग्रामीण प्रहरियों को बुलाया जाएगा। तो जो लोग हिम्मतवान हैं, जो लोग आना चाहते हैं, वो तैयार रहें, डेट आपको जल्द से जल्द निर्धारित की कर दी जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग आएंगे, यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं होगा, बल्कि यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को एक बधाई पत्र देने का काम किया जाएगा और आपकी अपनी बात के लिए उनसे बात की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी ग्रामीण प्रहरी एकत्रित हों, हिम्मत के साथ एकत्रित हों, कोई जोर शोर नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई दंगे फसाद नहीं, सारी राजनीति को अलग कर एकता में आ करके, आपने किसको वोट किया इसका मतलब नहीं है, आप लोग एकता में आ करके इकट्ठा हों और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई पत्र दें और अपनी बात को रखें, और साथ में हमारे जैसे लोग आपके साथ हैं सदैव। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम आपको डेट निर्धारित करेंगे और आप लोग लखनऊ प्रस्थान करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपके मन में कोई और कन्फ्यूज़न है हमें कमेंट ज़रूर कर दें, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो अपना लाइक कमेंट ज़रूर करते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों तक जानकारी पहुँचाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अनु त्रिपाठी, वंदे मातरम।